रहे हैं बड़ी खबर का। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, कल से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद में बंद किया गया इंटरनेट। कैथल, जींद, सिरसा और हिसार में भी सेवा पर रोक लगाई गई है। हरियाणा के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बताएं कि कल से 13 फरवरी तक बंद रहेगा इंटरनेट। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर इंटरनेट बंद किया गया है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद में बंद किया गया इंटरनेट। कैथल, जींद, सिरसा और हिसार में भी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। बताएं कि हरियाणा के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो 3 दिन तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। अब देखिए, हरियाणा में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं बंद कर दी जाएंगी कल, यानी कि आज रात 12 बजे से ये सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा और 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जो है, उसी के साथ ही 26 किसान संगठन ऐसे हैं जो दिल्ली कूच करने वाले हैं। और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है वो गृह विभाग की तरफ से ये लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं सोनीपत में, मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, देखिए हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो है वो कल से बंद रहेंगी, और क्योंकि गृह विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है, अभी फिलहाल सोनीपत में क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि देखिए, अभी जो खबर सामने आई थी कि सोनीपत में भी धारा 144 लागू कर दी गई थी। देखिए, सोनीपत जिला में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत है। एक जो युवा लड़की है वो हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं जो बंद हो रही हैं उसको लेकर किस तरीके के हालात बनेंगे, क्योंकि व्यापार में आज इंटरनेट की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि आपको पता है साधना कि पैसे की भी जो जरूरत है वो इंटरनेट से ही होती है। इंटरनेट एक देश की गति के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं तो काफी बड़ा नुकसान होगा। और देश के लिए हालात गंभीर को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री ने जो फैसला लिया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंटरनेट सेवाएं रात से बंद हो जाएंगी। गुड़िया, आप जैसे पढ़ाई भी करते हैं इंटरनेट पर और जो जॉब भी करते हैं, सारा का सारा काम जो है इंटरनेट सेवा पर है। आज रात से जो है इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएगी और 13 तारीख तक इंटरनेट बंद रहेगा, और 13 के बाद भी बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए जो काफी हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंटरनेट सेवा बंद होने से किस तरीके का नुकसान रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन है वो दिल्ली आ रहा है, और आप तो नजदीक जिला सोनीपत में है, आपने आंदोलन पिछले जो आंदोलन को भी देखा है, हमने आंदोलन चला था तो उस टाइम भी हालात गंभीर बने थे। काफी ऐसे समय देखे हैं, आरक्षण आंदोलन था उस टाइम पे इंटरनेट सेवाएं बंद हुई थी, तो अब किसान आंदोलन को देखते हुए जो 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर गई है, तो इसको हालात को किस तरीके से देखते हैं? जैसे हमारे देश का अहम हिस्सा हमारा किसान है, तो सरकार को उस हिसाब से सरकार की किसान की बात सुननी चाहिए। और इंटरनेट जैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे व्यापार में, शिक्षा में, जैसे मैं खुद पढ़ रही हूँ और जॉब भी करती हूँ, तो शिक्षा में बच्चों के लिए कुछ बच्चे घर से ही क्लासेस लेते हैं, कुछ उसके घर से लेते हैं, तो उनके लिए बहुत नुकसान है। और जो लोग इंटरनेट से ही घर से ही जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक घाटे का काम है ये। जैसे उन लोगों को इंटरनेट नहीं मिलेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं यही कहूँगी सरकार को, किसान की बात मानिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। तो बीच में कहीं ना समाधान होना चाहिए सरकार को और किसानों को बैठकर एक समाधान करना चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे परेशान होगी और काफी बड़ा नुकसान रहेगा। जब भी आंदोलन होता है तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, अब तो सारा का सारा काम जो है इंटरनेट से है। आपको कहीं से खरीदारी करनी है तो इंटरनेट से होता है, कैश तो जेब में होता नहीं और इंटरनेट से काफी बड़ी दिक्कत होगी। आम जो देश का जो गति है वो व्यापार पर भी असर पड़ेगा, व्यापार जो सारा का सारा इंटरनेट पर है, मेल पर काम होता है, नेट पर सारा काम होता है, फोन पर सारा काम होता है, तो इससे प्रभावित देश पर काफी बहुत पड़ेगा।
हाँ जी, जैसे हम UPI करते हैं ट्रांजेक्शन जो फोन से करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, वो सारा 3 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। तो सरकार को और किसान को हम यही कह सकते हैं कि सरकार किसान की कुछ बातें जो ज़रूरी बातें हैं वो मानी जाए और उनके लाभदायक निर्णय लिए जाए, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत वो अपने लिए तो कुछ कह नहीं रहे कि हमारे लिए कुछ करो, अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और इंटरनेट बंद होने से काफी नुकसान हम हर पीढ़ी को है, ना कि सिर्फ हम युवाओं को, बच्चों को भी काफी नुकसान है, शिक्षा में भी है, काफी तरह से काफी नुकसान लोगों को झेलने पड़ेगी इस कारण इंटरनेट बंद होने। तो देखिए साधना, जैसे गुड़िया बता रही है कि जो बनी रही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए गृह विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, ये सेवाएं कल से बंद रहेंगी। अमित, जी बिल्कुल साधना, अभी हरियाणा में आदेश जारी हुआ है, उसके तहत 7 जिले ऐसे हैं जहां, जी बिल्कुल साधना मैं आपको सुन पा रहा हूं, और हरियाणा में जो किसान जो कूच है दिल्ली के लिए जो 13 फरवरी का आह्वान है उसको देखते हुए, तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए, और किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी, कोई किसी प्रकार की अफवाह जो ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग की ओर से 7 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। उनमें सिरसा भी शामिल है, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इन जिलों में जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं। और रविवार को सुबह यानी कल सुबह 6 बजे से और 13 फरवरी की रात 12 बजे तक यह इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इसमें जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं और जो लीज लाइन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, ऐसा आदेश में कहा गया है। देखिए माहौल तनावपूर्ण है, और जिस प्रकार का संयुक्त किसान मोर्चा ने और दूसरे जो किसान संगठन है उनकी ओर से आह्वान किया गया है कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच की जाए, उसके तहत 3 अलग अलग जो बॉर्डर हैं पंजाब से किसानों के जत्थे जो हैं, ऐसा अनुमान है कि 10,000 के करीब जो ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से वहां पहुंचने का ऐलान किया गया है। और आह्वान को देखते हुए किसी प्रकार के जो माहौल खराब ना हो, शांति व्यवस्था ना बिगड़े और अफवाहें न फैले, इसको ध्यान में रखते हुए TVSN प्रसाद जो है उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया, और इंटरनेट सेवाएं जो रविवार सुबह 6 बजे से बंद हो जाएंगी इन 7 जिलों में। और देखिए कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि निषेधाज्ञा है, और 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। हालांकि देखिए निषेधाज्ञा लागू होती है लेकिन वो कितनी कामयाब रहती है अलग बात है, लेकिन आह्वान के दृष्टिगत प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, और जो हरियाणा का पुलिस प्रशासन है, ADGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह है, उनकी तरफ से भी आदेश जारी किए गए और एडवाइजरी भी पुलिस की ओर से जारी की गई, ताकि हरियाणा में शांति व्यवस्था कायम रह सके। जी साधना, बिल्कुल अमित, देखिए क्योंकि देखिए किसानों की जो तमाम मांगे हैं उनको देखते हुए तमाम किसान जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 13 फरवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे, और अब ऐसे में ये फैसला भी लिया गया है क्योंकि कल सुबह 6 बजे से ये सेवाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे में अमित, किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, व्यापार पर इसका कितना असर पड़ेगा, तमाम युवा जो जिनके एग्जाम चल रहे हैं उन पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? अमित, निश्चित रूप से साधना, देखिए जब जैसे कि इंटरनेट का बहुतायत प्रयोग होता है और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, और खास तौर पर जब एग्जाम के डेज होते हैं उनमें जो युवा जो तैयारी करते हैं अपनी, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और जैसा कि जैसे 6 बजे से कल सुबह से और लेकर और देखिए 13 फरवरी की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी किया गया है, तो इससे निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ता ही, और जैसे भी कोई भी आंदोलन होता है उसका सीधा असर जो है वो तमाम व्यापारों पर पड़ता है। कोई भी व्यापार या कोई भी दुकानदार है, कोई भी जो कामगार आदमी है, उस पर निश्चित रूप से उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसका जो रोजी रोटी पर उसके संकट खड़ा होता है, क्योंकि माहौल बिगड़ा रहता है। और ऐसे में पुलिस को अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए
जो विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं। देखिए इसी को देखते हुए आम आदमी के लिए ही सुरक्षा प्रबंध करने पड़ते हैं और तनाव किसी प्रकार का ना पैदा हो इसके लिए जैसे धारा 144 लागू की गई है तमाम तरह के ऐसे एहतियातन उपाय करने पड़ते हैं और निश्चित रूप से आम आदमी के लिए परेशानी तो होती ही है, चाहे वो एक संगठन ने आंदोलन किया हो या किसी और कई संगठनों ने आह्वान किया हो, इन सबका असर जो है आम आदमी की दिनचर्या पर, उसके रोजमर्रा के कामों पर निश्चित रूप से पड़ता है। और जैसा कि आपने कहा कि युवाओं के लिए तो निश्चित रूप से जब इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और दूसरी तमाम तरह की दिक्कतें तो निश्चित रूप से बननी ही है। जी साधना बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत भी लगातार बने हुए हैं सोनीपत से। लाजपत आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कई जिलों में सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा सुबह 6 बजे से, तो ऐसे में तमाम किसानों की जो मुख्य मांगे हैं उनका हम जिक्र कर लेते हैं। क्या मांगे हैं अभी फिलहाल किसानों की जिसको लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं तमाम किसान? जी बिल्कुल, देखिए साधना, जैसे 3 कृषि कानूनों के दौरान जो आंदोलन छिड़ा था, जो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, उस दौरान की जो मांगे थी वही मांगे दोबारा से दोहराई जा रही हैं। जैसे स्वामी आयथन जो विभाग था उसको लेकर और जो खीरी का जो मामला था उसको लेकर काफी ऐसी मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी गई है। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है व्यापारी है और सोनीपत में व्यापार करने के लिए जो दूसरी दिल्ली से आए थे, अब आंदोलन को देखते हुए जो घबराए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। आंदोलन जारी है और 11 से 13 तारीख तक इंटरनेट बंद किया गया है। आंदोलन आपने काफी देख चुके हैं, लॉकडाउन भी देखा आपने, आरक्षण आंदोलन भी देखा, किसान आंदोलन भी देखा और इंटरनेट सेवाएं अब बंद कर रहे हैं, तो इस माहौल को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आंदोलन जब भी होता है तो आम जनता जो होती है जो उसको काफी बड़ी दिक्कत होती है, क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 13 तारीख को, काफी संख्या में जो किसानों के आने की बात सामने आ रही है, पंजाब और हरियाणा दोनों मिलकर इस आंदोलन को कर रहे हैं और काफी बड़ा जो है जिला सोनीपत, जो पूरा भारत बसता है यहाँ पर, दूसरे देशों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने यहाँ पर है, टीचर भी यहाँ पर दूसरे देशों के है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आप व्यापारी हैं दूसरे देशों से भी व्यापार करते हैं तो इसकी चर्चा दूसरे देशों में भी जाती है, तो क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन से? इंटरनेट पे तो आज सारी दुनिया डिपेंड कर रही है, तो इसके बगैर तो कुछ मसला हल निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो कोई हड़ताल तो कोई मसला नहीं है, उसका तो कोई वो नहीं है कि भाई आप हड़ताल करोगे तभी कोई फैसला करना, तो गवर्नमेंट को पहले से ही सारा हिसाब था चेक करके देख के, आज तक हर काम हड़ताल से तो पूरा नहीं होता, हड़ताल तो एक जस्ट प्रेशराइज करने के लिए है, तो इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी सीटें हैं, सब कुछ है, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है उनको, तो यहाँ तक सब करने की क्या जरूरत है? तो पब्लिक क्यों परेशान हो, इस बात को तो सोचना चाहिए पब्लिक, जो इस वक्त नेट पे टोटली डिपेंडेंट करती है। हमारे साथ जैसे मौजूद गुड़िया है, पीछे बात कर लेते हैं। गुड़िया, इंटरनेट बंद हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आप जैसे आपके साथ में काफी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो तो प्रॉपर प्रभावित हो ही रही है, लेकिन जो जो दूसरे देश के बच्चे हैं उनमें भी चर्चा कहीं ना कहीं भारत की नजर रखते हुए कहीं ना कहीं बात हमारे यहाँ पे जैसे उनमें सिर्फ ना कि हमारे भारत के बच्चे नहीं पढ़ते, वो ये देखेंगे कि हमारा इंटरनेट क्यों जिनके लिए बंद है, सरकार क्यों बंद करती है, तो वैसे हमारे देश पे नाम उठता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में किसी भी कारण कोई बाहर के बच्चे सिर्फ नेट की सुविधाएं नहीं मिल रही उसके कारण हमारे सरकार को कुछ वो हो, तो हम अपने सरकार के लिए ही बोल रहे हैं कि किसी बच्चे को किसी भी शिक्षा में ताकि अपने देश के इन तक बाहर के बच्चों को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आप व्यापारी हैं, व्यापार को देखते हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद हो रही हैं, किसान आंदोलन मजबूत है, दिल्ली के लिए कूच करने की बात सामने आ रही है, आपने आंदोलन देखे हैं, तो इंटरनेट सेवाएं बंद हो रही है कल से और 13 तारीख तक, तो क्या मानते हैं इंटरनेट सेवा से कुछ प्रभावित जो आम आदमी है, जो व्यापारी है, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा? व्यापार और आम आदमी के जीवन से बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसके बगैर आजकल नेट के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है।
ये सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि समस्या का जो समाधान है। मेरे सहयोगी गगन भी बन गए हैं। गगन देखिए, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को कल सुबह से बंद कर दिया जाएगा, क्या कुछ लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं? क्योंकि देखिए तमाम चीजों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। गगन बिल्कुल साधना, बात की जाए तो हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जिनमें कल से जो है इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी जाएगी 13 फरवरी तक, और इसका असर आम जनता पर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के समय में बात की जाए तो इंटरनेट जो है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो जरूरी काम होते हैं जिस तरह से व्यापारियों के काम की बात की जाए तो या किसी भी तरह की काम की बात की जाए तो इंटरनेट सेवाएं आजकल जो है बहुत ज्यादा, जिस तरह से UPI हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए भी इंटरनेट सेवाएं जो है चलती है। इस तरह की अगर तो इंटरनेट सेवाएं जो बंद हो जाती है तो इससे आम जनता को ही काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से बात की जाए तो किसानों ने आह्वान किया है कि दिल्ली कूच जो है 13 फरवरी को जो है करेंगे, उसके रोकथाम को लेकर हरियाणा पुलिस के द्वारा जो तमाम जो हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर है उन्हें सील भी कर दिया गया है। और आज जिस तरह से अंबाला से जो है सीधा जो चंडीगढ़ जो मार्ग जाता है, अंबाला से जो दिल्ली सीधा मार्ग जाता है और पिहोवा से और जो पटियाला की तरफ रास्ता जाता है उसे भी जो पूर्ण रूप से जो है बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की आना जानी जो है मना कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दी गए हैं, सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कांटेदार जो तारे हैं वो भी लगा दिए हैं। पुलिस के तमाम जो प्रबंध जो है जो बॉर्डर है उन पे जो है देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो है इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई है, तो इससे आम जनता को काफी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ेगा। जी ठीक है गगन, आप बने रहिए, अमित भी लगातार बने हुए हैं सिरसा से। अमित देखिए, जब भी कोई आदेश जारी किया जाता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। अब इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा तो चाहे वो युवा हो चाहे वो व्यापार हो, तमाम चीजों पर असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आदेश जारी किया जा रहा है तो क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है ताकि किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना हो, भ्रामक जो खबरें सामने आती हैं, जो अफवाहें सामने आती हैं वो अफवाहें ना फैले? जी बिल्कुल साधना, देखिए CID इनपुट्स जो मिलते हैं, पुलिस को मिलते हैं इनपुट्स, उनके आधार पर जो है वो इंटरनेट को जो रोका जाता है, और ऐसे में जो एक तरह से आपात स्थिति बनती नजर आती है और तनावपूर्ण माहौल बनता नजर आता है, और ऐसे माहौल में जो अफवाहें न फैले, भ्रामक जानकारी लोगों तक न फैले, और खासतौर पर बल्क मैसेजेस होते हैं और इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप में या फेसबुक के जरिए इस तरह की जानकारियां जो है वो गलत जानकारियां लोगों तक न पहुंचे, और इसी तरह के कोई वीडियो मैसेजेस वो ना पहुंचे, तो यह ऐसी तमाम स्थितियों को देखते हुए ही इंटरनेट को बैन किया जाता है, और खासतौर पर उन इलाकों में जहां संभावित होती है स्थिति कि वहां गड़बड़ी की आशंका रहती है, गड़बड़ी बढ़ सकती है, और इस तरह के मैसेजेस जो अगर उनका प्रसारण होता है या उन्हें जो वायरल किया जाता है तो उससे ज्यादा गड़बड़ी की आशंका होती है। तो इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर जो है वो गृह विभाग इनपुट्स के आधार पर तमाम उन जिलों में जो इंटरनेट सेवाओं को रोक देता है, और इसी तरह से ही एहतियात के तौर पर जो आज कदम उठाया गया है, और निश्चित रूप से जो 7 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, देखिए उनमें जो लोगों को तकलीफ जरूर होगी लेकिन जो जरूरी कामकाज है जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं उनके लिए लीज लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं उन पर रोक नहीं है। तो जो मोबाइल पर सीधी जो कंपनियां सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, उन तमाम उनकी सेवाओं पर जो है वो एक बार की 13 फरवरी को रात 12 बजे तक रोक रहेगी। तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है प्रशासन की ओर से ऐसे कदम उठाए जाना, क्योंकि देखिए जो 26 जो किसान संगठन है और तमाम दूसरे अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो आह्वान किया गया 13 फरवरी का, और उसके उसको देखते हुए पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके, कोई गलत जानकारी, कोई भ्रामक जानकारी जो न फैले उसका वायरल होना रोका जा सके, तो एक तरह से एहतियात के लिए यह कदम उठाया जाना जरूरी था। हालांकि देखिए आम लोगों को इस आह्वान से और इसके इस आह्वान से उपजे तनाव की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और वो परेशानियां जो है अभी से शुरू हो गई है, इंटरनेट सेवाओं को
बंद करने का जो आदेश जारी हुआ है, और खासतौर पर देखिए सिरसा फतेहबाद की बात करें, अम्बाला की बात करें, कुरुक्षेत्र है उसमें कैथल है, जींद है और हिसार है, तो इन जिलों में, और इसके साथ साथ अगर बात करें सोनीपत की, कैथल की और अम्बाला और दूसरे जो चार पांच जिले और भी हैं जहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहां भी ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि एक तो अप्रिय घटना कोई ना घट सके और पुलिस प्रशासन जो है अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करके चले, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जहां जरूरत थी वहां उसकी भी तैनाती कर दी गई, और जो बॉर्डर के इलाके थे खासतौर पर वहां जो है सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, नाकेबंदी की गई है ताकि किसी न किसी रूप में किसानों की कूच को जो है वो टाला जा सके, रोका जा सके, और इसी एहतियात के तौर पर ही इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया। हालांकि तमाम जो लोग हैं उन्हें इस दौरान दिक्कत रहेगी और इसके लिए कोई और उपचार भी नहीं है, क्योंकि ऐसे जो भ्रामक जानकारी न फैले इसके लिए यह जरूरी भी हो जाता है कि इंटरनेट सेवाओं को एक बार की बंद किया जाए। जी साधना, बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, लाजपत भी लगातार बने हुए हैं। लाजपत देखिए, इंटरनेट सेवाओं को तो बंद कर ही दिया जाएगा, इस बीच सोनीपत में धारा 144 भी लागू की गई है, कोई गतिविधियां नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए शासन प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हम छह जान लेते हैं। धारा 144 लगी हुई है सोनीपत में, और सोनीपत में धारा 144 इसलिए कि दिल्ली से सटा हुआ जो सोनीपत है, तो इससे गतिविधियों पर कहीं रोक लगताएगी। क्या कोई ऐसा समाधान हो सकता है कि जो लोग, जो किसान जो पंजाब से आने हैं या हरियाणा से आने हैं जो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? मतलब धारा 144 पर प्रशासन काम कर पाएगा, शासन और प्रशासन क्या किसानों को समझा पाएगा? या इस आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, माइंड पर भी प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान होता है। बिल्कुल, जो है इस चीज का सारा सिस्टम तो बिगड़ेगा ही यहाँ का, तो उसको भी ठीक ठाक रखने के लिए ये भी जरूरी है एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ की शांति बनी रहे और कोई अराजक गलत ना फायदा उठा सके, ये भी जरूरी है। बाकी वहां पर के लिए गवर्नमेंट को इनसे बात करनी चाहिए, किसान भाइयों से अपने, ताकि कि उनके भी समस्या का समाधान हो और ये किसी को परेशानी ना हो, उसके लिए पहले ही ये कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से सोनीपत में व्यापार करने आए थे, अपने आप को सुरक्षित मानने आए थे, तो यहाँ पर आपने क्लाइम किया दिल्ली से यहाँ मानने के लिए, अब इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में। ठीक है लाजपत, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए हरियाणा के कई जिलों में देखिए इंटरनेट सेवाओं को जो है वो बंद किया गया है, यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 फरवरी रात 12 बजे तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, ताकि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी ना फैले। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों के।